अनंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम रण कर कस राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। परमादरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय श्री श्री गुरु चरण हमारे आशुतोष और अर्धानी भगवान शिव के धाम में शिवालय में हम सब लोग उपस्थित हमारे योगा करा रहे थे और सुंदर ढंग से उपस्थित हमारे सांसद जी जनार्दन सिंह सिद्धवाल जी, इस समस्त प्रांगण में बैठे हमारे मुखिया जी, सभी भक्तवृंद, सभी पत्रकार बंधु, इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है सभी भक्तवृंद, आज बड़ा सुंदर दिन, आज सुंदर दिवस। हमारे यहाँ तो हमेशा योग में ही जीवन है, परंतु आज का दिन देश दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन, पूरे दिन हमारे मोदी जी के माध्यम से योग दिवस बना, पूरे विश्व ने इस योग दिवस को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए, बहुत बड़ा। भारत आज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ा। जिस देश को इसकी कल्पना नहीं थी कि हमारा देश, विदेशों ने इस संस्कृति को स्वीकार किया था, उस संस्कृति धीरे धीरे विलुप्तता की ओर जा रही थी, परंतु हमारे मोदी जी के माध्यम से, हाँ जी, हम लोगों को गर्व का विषय है, गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, और इस विषय को सहज स्वीकार करना चाहिए व्यक्ति को। पार्टियां छोड़ करके, मत मतांतर छोड़ छोड़ कर, दल छोड़ करके, एक ऐसे भाव में आना चाहिए जिस व्यक्ति ने आकर के हमारे भारत का मान सम्मान, हमारा भारत का गौरव, हमारे भारत का गर्व सीना ऊंचा कर दिया। क्योंकि इस देश की पार्टियां मंदिर में जाने से डरती थी कि कहीं हमारा वोट बैंक कम ना हो जाए, हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। आज वही पार्टियां मंदिरों में प्रवेश कर रही हैं, मंदिरों में हिंदुओं को खुश करने के लिए देवी देवताओं को, कोई कहता है कि हम परशुराम जी का मंदिर बनवाएंगे, कोई कहता है हम राम जी का मंदिर बनवाएंगे, कोई कहता है कि हम राम जी का मंदिर की शुरुआत किए थे। कहने का मतलब है कि आज उस व्यक्ति ने आपके अंदर हिंदुत्व को पैदा कर दिया, हिंदुत्व को जगा दिया, आज आपके अंदर ऐसा सनातन संस्कृति को आपके अंदर वो था ही, आपके खून में, आपके ब्लड में, आपके संस्कार में सब कुछ था, परंतु कहीं ना कहीं वो सुसुप्त अवस्था में था। उस व्यक्ति ने कहा कि सत्ता के अधीन संस्कृति होती है, हमेशा कहते हैं क्या, सत्ता के आलोक में संस्कृति पलती है, जैसी सत्ता होगी वैसी संस्कृति होगी, वैसे संस्कार होंगे और वैसा समाज होगा। आज हमारे सिग्रवाल जी देखिए इस संस्कार की देन होगी कि जहाँ धर्म स्थान, देव स्थान, ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि दिखते हैं तो जरूर उनके अंदर के एक संस्कार पैदा हो जाता है, अंदर का भाव पैदा हो जाता है, अंदर के जो विचार हैं वो पैदा होकर के और कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जाते हैं, तो वही परिणाम लेकर के भी आता है। हम कहते हैं हमेशा कि प्रणाम परिणाम का परिचायक है, यदि प्रणाम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी निकलेगा। तो आज कह रहे थे बड़ी मंदिर अजय क्या, आज तक परमात्मा ने कहीं पराजय नहीं दी, तो पराजय के यही कारण है कि आप ततो धर्मा यतो जया, कहा जहाँ धर्म होता है वही विजय होती है।